राम राम सभी ने। आज की जो वीडियो है वो है कानपुर शहर की बेटी दिव्या मिश्रा के ऊपर, जिन्होंने जो है सिविल सेवा परीक्षा में जो है बाजी मारी है। ऑल इंडिया जो है 28वीं रैंक लाकर उन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता का मान बढ़ाया है, बल्कि कानपुर शहर का जो है नाम भी रोशन कर दिया। बचपन से ही जो है IAS बनना चाहती थी। कानपुर शहर की बेटी दिव्या मिश्रा सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है इन्होंने बाजी मारी है। ऑल इंडिया में जो है 28वीं रैंक लाकर उन्होंने जो है न अपने माता पिता बल्कि जो है कानपुर शहर का भी जो है नाम रोशन किया। बचपन से ही जो है IAS बनने का सपना देख रही थी दिव्या ने। दिन रात जो कड़ी मेहनत की है, इसके बाद जो तीसरी बार में सफलता प्राप्त की, उनकी जो है रैंक 312वीं रैंक आई है। उसे उन्हें जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला था। फिलहाल वह ट्रेनिंग पर हैं। नौबस्ता निवासी जो है दिव्या के पिता दिनेश मिश्रा का जवाहर नवोदय विद्यालय मनकपुरा गोंडा में प्रधानाचार्य हैं। माँ जो है मंजू मिश्रा हैं, गृहिणी। छोटा भाई है दिव्यांशु, सेना में लेफ्टिनेंट है और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में चल रही ट्रेनिंग में शामिल है। कुछ ही माह के अंतराल पर मिश्रा परिवार को दूसरी खुशी मिली है। पहले दिव्यांश का लेफ्टिनेंट में चयन हुआ, बाद में बेटी दिव्या का सिविल सर्विसेज में जो है सिलेक्शन हुआ। दिव्या ने बताया कि हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई के दौरान जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय से की थी। 10वीं में 96% अंक और 12वीं में 92.4% अंक आए थे। दिव्या ने एक KTU से जो है BTech भी किया है। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुका है। IIM से जो उन्होंने PhD की थी, वह IAS भी बनी है। आज उनका जो सपना पूरा हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करें।